राउंड में कैसे लोग एक एक जो योगासन है उसको पूरा कर रहे हैं, दो जो प्रतिदिन करने वाले योग हैं, जैसे कि आप देखेंगे सुशील मोदी के बारे में मैं बता सकता हूं कि ये नियमित रूप से योग करते हैं और अभी भी देखिए कि सबसे स्वस्थ है जो राज्यपाल पूर्व राज्यपाल हैं 86 ईयर के हैं, यानी 86 साल की उम्र में आप स्वस्थ देख रहे हैं कि पीछे भी योग है, यानी योग सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको कर लेंगे एक चीज तो ठीक हो जाएगा, ये नियमित अभ्यास की चीज है और नियमित करने वाले कभी भी अस्वस्थ नहीं होते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, लौटूंगी आपके पास। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, योग साधना है, योग निरोग करता है और देखिए योग को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि ना सिर्फ भारत में, विश्व से भी अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जहां पर लोग योग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए योग साधना है और जिस तरीके से ये ना सिर्फ स्ट्रेस को दूर करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बल्कि तमाम जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वैसे हर एक पहलू में योग जो है वो मनुष्य की मदद करता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से तमाम सारे लोग जो हैं वो योगाभ्यास कर रहे हैं, आमजन भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो नेता हैं यहाँ पे अमृता भूषण हैं और मृत्युंजय झा हैं, प्रीति पाठक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं, अखिलेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे जो जो बता रहे हैं कि योगाभ्यास करना है, अलग अलग आसन जो है अलग अलग रोगों में, जैसे हार्ट को लेकर अभी शशक आसन यहाँ पे सिखाया गया और उसका योगाभ्यास भी कराया गया और यहाँ पे बताया जा रहा है इंस्ट्रक्टर के द्वारा कि कौन से पोस्चर को रखें और किस तरीके से ये लाभदायक है और कैसे इसका लाभ जो है वो मिलता है। तो तमाम लोग जो है इस योगाभ्यास को यहाँ पे करके एक संदेश भी दे रहे हैं। एक छोटी सी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अमृता भूषण है यहाँ पे, किस तरीके से योग सहायक है लोगों के दिनचर्या में और स्वास्थ्य को लेके? बहुत ज्यादा है, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जागृत किया है, पूरे विश्व को जागृत किया है और ये देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेस फ्री है और बॉडी भी बहुत हल्का फील होता है जब हम लोग योग कर लेते हैं। एक घंटा करने के बाद फिर आप पूरे दिन के लिए इतने दुरुस्त हो जाते हैं कि पूरे दिन जितना चाहे आप अपना व्यायाम के बाद काम कर सकते हैं। तो देखिए ये योग के फायदे हैं और तमाम सारे लोग जो हैं यहाँ पे वो इसके फायदे जो हैं वो गिना रहे हैं और यहाँ पे तारकिशोर प्रसाद हैं, उन्हें कुछ आसन जो है वो बताया भी गया। आज जो योगाभ्यास है यहाँ पे किस तरीके से ये लाभदायक है, एक संदेश देखिए, ये तन और मन दोनों को कहीं न कहीं अनुशासित करता है जिससे मानव बेहतर जीवन जी सके। योग तो पूरे मानव जीवन के लिए आवश्यक है और स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। ध्यान भारतीय सांस्कृतिक अवधारणा का उत्कृष्ट बिंदु है। तो ये योगाभ्यास और भाव भंगिमा और तमाम सारे लोग जो हैं यहाँ पे योग कर रहे हैं और अलग अलग आसन जो है वो यहाँ पे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से आसन से क्या कुछ लाभ होते हैं और इसके सतत अभ्यास से लोग जो है वो न सिर्फ निरोग होते हैं बल्कि स्ट्रेस जो है आज भागदौड़ के जीवन में जो एक तनाव भरी जिंदगी है उससे निजात मिलती है, स्फूर्ति आती है और एक संदेश भी जाता है यहाँ पे योगा योग दिवस के मौके पर जो एक सामूहिक रूप से योग कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर तमाम सारे लोग, और इसको लोग जीवन में देखकर जो अपनाते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। तो तमाम सारे लोग और बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ पे और साथ ही आम जन है इसके पूरी पार्क में, और यहाँ पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हर एक कठिन भाव भंगिमा जो है उसे बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं और प्रतिदिन ये योग करते हैं। एक जागरूकता को लेकर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि किस तरीके से ये लाभदायक है। स्वाभाविक है, ये पूरे देश में एक भावना भड़का इसको बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और ये आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की, ये कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आम लोग यदि जागरूक हो तो स्वास्थ्य उनको लाभ हो सकता है। सबको पता है कि योग करने से, लेकिन इसका शुरुआत और प्रयास कराना
ये प्रधानमंत्री जी ने एक माहौल बनाया दुनिया में जिसके माध्यम से इस देश से और दुनिया में योग लोग करने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। और ये स्वास्थ्य लाभ है, जीवन में स्वस्थ रहने का यही एक रास्ता है। जीवन में स्वस्थ रहने का यही एक रास्ता है और इस रास्ते को हर लोग अब जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उस पे चल रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। और जो योग है वो लोगों को निरोग तो रखता ही है। एक दिनचर्या की शुरुआत योग के जरिए होती है तो पूरा दिन जो है एक स्फूर्ति भरा होता है। और देखिए कोई भी, जहाँ तक अभी बीमारी की बात थी उससे एसपीडी रिकवरी की बात हो, जो अलग अलग भंगिमाएँ हैं उससे अलग अलग जो अंतर जो ग्रंथियाँ हैं वो उसमें जो हार्मोन स्रावित होते हैं तो उसको उद्वेलित करने में भी योग के जो पोस्चर हैं वो सहायक सिद्ध होते हैं। और यही वजह है कि जो बीमारियाँ हैं उसको दूर करने में ये योग और उसके अलग अलग जो आसन हैं वो बेहद लाभदायक है। और कठिन से कठिन जो बीमारियां हैं, चूंकि सारा कुछ निर्भर करता है किस तरीके से व्यक्ति जो है उनके खान पान रहन सहन और जो व्यवहार है, तो उसमें योग जो है एक उद्वेलक की भूमिका निभाती है और तमाम सारे लोग इससे निरोग और स्वस्थ रहते हैं। तो चाहे वो अर्थराइटिस हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट की बीमारियां हो, इन तमाम जगहों पर और भी दूसरी जो जटिल और मुश्किल बीमारी है उससे निजात दिलाने में सहायक सिद्ध होती है। मेडिसिन और जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन योगा जो है उसमें एक बेहद सहायक और उनकी जो भूमिका है योग की और भाव भंगिमा की वो बेहद सहायक साबित होती है। और ये जो अब साबित हो रहे हैं, इसके प्रभाव जब सामने आ रहे हैं जो आश्चर्यचकित करने वाले हैं, यही वजह है कि इसकी जो स्वीकार्यता और ग्राह्यता है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जो पद्धति है यहाँ पे योगा की एक महत्वपूर्ण भूमिका प्राचीन काल से रही है। लेकिन जिस तरीके से योग दिवस को लेकर इनिशिएटिव लिया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर मुहर लगी और उसके बाद अब तमाम जगहों पे न सिर्फ अपने देश में बल्कि बाहरी दुनिया के जो देश हैं, जो मुल्क हैं, वहाँ भी इसे अब बहुत ही प्राथमिकता के साथ और ये योगा जो है वो किया जा रहा है। और इसके आश्चर्यजनक जो परिणाम आते हैं उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और यही वजह है कि योग दिवस के मौके पर जगह जगह पे योगा जो है वो किया जा रहा है और घर पे चाहे पार्क में या हर जगह पे इस तरीके से लोग योग कर रहे हैं। सर मुझे भी लगता था फासला देखकर, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रशांत जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, बाकी रजनीश ने भी इस बात का जिक्र किया कि आश्चर्यचकित परिणाम है योग को लेकर और यही वजह है कि अब लोग एज अ प्रोफेशन भी योग को चूज कर रहे हैं। लोग योगा टीचर बनना चाहते हैं, पहले कहा जाता था डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन अब योगा टीचर लोगों को बनना है, यानी कि ऐसा प्रोफेशन भी लोग योग को ही बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर, तो आपको देखकर हम सब बड़े अल्लाहित हैं, आनंदित हैं कि आप सब योगी हैं। और जब योगी होंगे तो ही आप उपयोगी होंगे, निरोगी होंगे तो ही आप उपयोगी होंगे। तो आप सब उपयोगी जनों को मैं हृदय से मन से प्रणाम करता हूँ। आइए, शांत जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है, और जिनको कमर में दर्द है उसके लिए डिस्टिंक्शन है। जी जी, आवाज आ रही, आवाज आ रही। प्रशांत जी, रजनीश ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो योग के परिणाम है वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं और यही वजह है कि आज का युवा एज अ प्रोफेशन भी योग को ही चूज कर रहा है। पहले लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन अब लोग योगा टीचर बनना चाहता है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, भविष्य में योग के कितने फायदे हैं जिसकी वजह से युवा भी इसकी ओर आकर नाम है पाद हस्त आसन। देखिए इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योगदान है कि जब उन्होंने इस देश की सत्ता संभाली और योग को लेकर के पूरे विश्व में एक अभियान शुरू किया और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उसके बाद से पूरे विश्व में योग एक सिर्फ योगासन के लिए या स्वस्थ रहने के लिए नहीं बल्कि जॉब ओरिएंटेड हो गया। और पूरे विश्व के लोग अभी चाहते हैं कि भारत की जो योग परंपरा है उसके शिक्षक मिले और उस तरह के लोग मिले जो उनको योग की शिक्षा दें और वो स्वस्थ रह सके, वो निरोग रह सके। एक बात और समझने की बात है कि सिर्फ योगा जो है
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है, ये मन को भी स्वस्थ रखता है, ये आपके श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है, आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। और कहा गया है कि जो योगी होगा वही निरोगी होगा और वही उपयोगी होगा, यानी योग जो है वो पूरे जीवन समाज और उसके लिए जॉब की भी व्यवस्था करने लग गया है। और 9 सालों के योग के इस प्रधानमंत्री के अभियान के बाद पूरे विश्व के लोग चाहते हैं कि भारतीय परंपरा जो योग की है उसको अपनाएं, चाहे वज्रासन हो, चाहे श्वासन हो, सूर्य प्रणाम हो और अनुलोम विलोम हो, ये तमाम चीजें जो लोग पहले किताबों में पढ़ते थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, वो अब जब सामने आ गया है, उससे लोगों को फायदे दिख रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि ये भी योग से जुड़े, योग के टीचर बने, इसके लिए उनको जॉब भी बहुत आसानी से मिला। आप देखिएगा कि पूरे देश में, खास करके बिहार की बात करूं तो बिहार में कई ऐसे योग आश्रम खुल गए हैं जहां योग की ट्रेनिंग दी जाती है, लोग टीचर बन रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि जितने बड़े राजनेता यहां पर हैं और ये सारे लोग योग कर रहे हैं, बहुत आसान प्रक्रिया नहीं थी ये, क्योंकि योग का एक एक आसन जो है बहुत ही कठिन है, निरंतर अभ्यास की चीजें हैं, सिर्फ एक दिन करने के बाद आप योग को ये उसके उसमें अपूर्ण नहीं हो सकते। योग एक परंपरा है और एक नियमित अभ्यास की चीजें हैं। और यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है विजुअल, उसमें आप देखिएगा कि जो भी नियमित अभ्यास करने वाले योग के लोग हैं, वो तमाम लोग लगातार अपना वो व्यायाम कर रहे हैं, अपने वो अभ्यास को जारी रखे हुए हैं। और इसी यही वजह है कि आज मंच पर जो लोग भी खड़े हैं और जो यहाँ योग टीचर के रूप में मौजूद हैं, सबको आज यहाँ पर नौकरी मिली है, सिर्फ देश ही नहीं विदेश में उनकी मांग है। जो लिखते हैं इरादे को, बिल्कुल रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही धीरज भी हमारे साथ रात्रि से लगातार जुड़े हुए। धीरज, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए, वहां पर भी जो योग है वो किया जा रहा है और किस तरीके से योग का हर एक आसन महत्वपूर्ण हो जाता है। नहाते हैं साबुन से वो शरीर बदलते हैं और जो नहाते हैं पसीने से। देखिए, मैं रांची के हरमू स्थित पटेल पार्क में मौजूद हूँ और बारिश भी यहाँ हो रही है और फिर भी यहाँ पर बीजेपी के जितने भी लोग हैं और साथ में जो आम लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं और योग शुरू हो गया है। यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी लोग योग कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इसको लेकर के आप जिस तरह से जो ट्रेनर हैं वो योग ट्रेनर हैं, जो योग बता रहे हैं आसन, और उसी तरह से लोग जो है वो आसन कर रहे हैं। आप देखिए, एक छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी सुबह सुबह जो है वो यहाँ पर योग करने जो है वो यहाँ पर आए हैं। बताइए आप लोग, आप ये बताइए, योग आप रोज करती हैं? हम रोज योग करते हैं, मेरे दादा इन सारे लोग घर में, सारे लोग घर में करते हैं। ये भी आजकल ये भी थोड़ा तो करने लगा है। अच्छा, इसको भी उठाते हैं सुबह, ये करते हैं। तो चूंकि आसन जो ट्रेनर है वो करवा रहे हैं तो बात करने की स्थिति में बहुत लगे, लेकिन योग प्रीति, मैं रोज खुद ही बहुत दिनों से योग करता हूँ और योग से निरोग, ये जो कहावत है पूरी तरह से ठीक है। और कई लोगों से मैंने बात की, जो कई लोग अस्थमा जैसे बीमारियों से जूझ रहे थे, सांस की बीमारियों से जूझ रहे थे, जब से योग शुरू किया है तब से उनको फायदा मिलने लगा है और लोग अब इसको रोज की एक प्रक्रिया में, पहले हम लोग भी देखते थे कि लोग इतना गंभीरता से शायद ना लेते हों, लेकिन जब से 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनने लगा है उसके बाद से ये लगातार लोग अब इसको दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं। मॉर्निंग वॉक करने के बाद योग अब लोगों के दिनचर्या में शामिल हो गया है, जैसे रूटीन में एक ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, या मॉर्निंग जो भी है पहले बातचीत करते थे या घूमते थे उसको लेकर के, उसके बाद लोग अब योग को दिनचर्या में अपना रहे हैं और एक बहुत अच्छी बात है। आप लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है जिस तरह से ट्रेनर जो हैं, योगा ट्रेनर, वो जिस तरह से कर रहे हैं वो लोग उसको फॉलो करके, और लोग यहाँ पर योग
कर रहे हैं हम, और कुछ लोगों से बातचीत करना करेंगे। आप देखिए, आप कब से योग कर रही हैं? साल भर से। कुछ समस्या थी आपको? समस्या नहीं थी, मेरे फादर ने कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने इसको योग के जरिए से दूर किया है। कैंसर से पीड़ित थे आपके फादर और इसको योग से के और इलाज से भी संभव हो गया और आज बहुत कंप्लीट एक हैप्पी लाइफ जी रहे। देखिए कितने यहाँ पर आए हैं? यहाँ नहीं आए, वो दूसरे जगह पर घर पे ही वो योग कर रहे हैं। आप देखिए, आप भी कर रही हैं मैडम, कब से कर रही हैं आप? मैं 2007 की योग टीचर हूँ और मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ महिला पद। कितना फायदेमंद योग से आज आपको बता रहे, 2006 से लेके 2023 आ गया, एक दिन भी सर्दी खांसी बुखार नहीं। हम किसी रोग से पीड़ित नहीं थे, सिर्फ जुड़े थे 2006 में, तब हम अस्थमा जैसा खांसी का प्रॉब्लम था तो वो मुझे पता ही नहीं चला कितना जल्दी ठीक हो गया। उसके बाद मेरा 2007 में पहला योग टीचर बनी और आज मैं राज्य स्टेट लेवल का टीचर भी है। ये स्टेट लेवल में है, मेरे साथ 5 जिला है, जमशेदपुर, सरायकेला, खूंटी और चाईबासा और रांची। देखिए तो हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कैंसर जैसे गंभीर बीमारी योग से ठीक हो सकता है प्रीति, तो आप सोच सकती हैं कि योग कितना कारगर है हमारे आपके ज़िंदगी में। और लोग इसको लोग खुद अपना रहे हैं, अस्थमा हो, मैंने बताया बहुत सारे लोग से यहाँ मिले, कई केस स्टडीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित थे या लोग को समस्या हो रही थी लेकिन योग जब से अपनाया है तब से वो लोग ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, और वाकई यही वजह है कि आज के दौर में भी जो लोग हैं वो योग के लिए समय निकाल रहे हैं, ये अपने आप में खास बात हो जाती है। प्रशांत जी, आज के समय में सबसे ज्यादा जो युवा है वो स्ट्रेस लेता है, डिप्रेशन में होते हैं और खास करके जब आप डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर भी इलाज के तौर पर यही कहता है कि अगर आपको मन की शांति चाहिए, स्ट्रेस से मुक्ति पाना है, डिप्रेशन से मुक्ति पाना है, और आज की दौड़ती भागती जिंदगी में जब हम खान पान का ध्यान नहीं रखते, बावजूद उसके अगर आप योग के लिए 10 से 15 मिनट भी निकालते है तो वो आपके लिए फायदेमंद है। होमवर्क नहीं करते थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार और सवाल दोहराइएगा। मैंने तो बिल्कुल प्रशांत जी जी आज की दौड़ती भागती जिंदगी जिसमें युवा खान पान का ध्यान नहीं रखता है, हम जंक फूड्स खाते हैं, बावजूद उसके स्ट्रेस हो या डिप्रेशन, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर का भी यही कहना है कि आप अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में 10 से 15 मिनट का जो वक्त है वो योग के लिए निकालिए। एक महत्वपूर्ण हिस्सा योग हमारे जीवन का। बिल्कुल सही कह रही है, आज के तारीख में जो लोग हैं जो आधुनिकता के दौर में भाग रहे हैं उनके लिए भी इतना आवश्यक है कि दौड़ती भागती जिंदगी के बीच में जब आप इधर उधर का फास्ट फूड लेते हैं, कोई दूसरा सामान खा लेते हैं और ऐसे में आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी जैसे बहुत तेज गर्मी है और आपको लू के भी चपेट में आने की संभावना होती है, ऐसे में भी योग की जो भूमिका है, और योग अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो इससे आप बच सकती हैं। और इससे भी अधिक चीजें हैं कि योग है क्या, पहले उसको समझना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े साधु संत रहे हैं और जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने योग को इसलिए ही प्रमोट किया था और अपनाया था ताकि वो लंबी उम्र जी सकें, निरोग जीवन जी सकें। आप देखिए कि आज की तारीख में डॉक्टर हो या बड़े अस्पताल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर जगह आपको डॉक्टर निश्चित रूप से सलाह देता है कि सुबह सुबह योगाभ्यास करिए, मैदानों में जाइए, वॉक करिए और कम से कम 45 मिनट तक आप वॉक करिए। अगर किसी भी आदमी को डायबिटिक होता है तो उसे ये निश्चित तौर पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं कि उनको योगाभ्यास करना चाहिए और उनको सुबह में और शाम में वॉक करना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि योग हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी चीजें हैं। ये देखिए, ये पाटलिपुत्र के इस ग्राउंड में जो लोग भी योग कर रहे हैं,
कामरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, वहाँ की तस्वीरें भी एक बार दिखाइए। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर बूंदाबांदी हो रही है, बावजूद उसके लोग योग कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि लोग कितने जागरूक हैं और योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। बीस करोड़ का बजट था, उसे 300 करोड़ के लगभग कर दिया गया। इसके अलावा जो इसके लिए बहुत सारे विभाग खोले गए हैं अलग अलग, जिसमें जिसके माध्यम से स्टूडियो खोला गया, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे योग सीख सकेंगे। देश में सिर्फ दो ही स्टूडियो है। आयुष विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। यहाँ पर आपका नेतरहाट में और पतरातू में एक पंच खोला गया है, ताकि वो मेडिकल टूरिज्म की तरह उसे बढ़ावा मिले। और भी बहुत सारे काम वो लगातार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि झारखंड के लोग स्वस्थ रहे, योग को अपनाएं, क्योंकि हर जिले में योग का कार्यक्रम हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें काफी बढ़ चढ़ कर लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।